Welcome guys, welcome to Edu Home Tax once again. So today this is the sixth lecture of the capital gain and today we will discuss Joint Development Agreement JDA and we will cover section 45(5A) of the Income Tax Act 1961. Before getting into this section, हमें पता होना चाहिए कि joint development agreement होता क्या है, ठीक है? तो आइए समझते हैं joint development agreement को. बहुत ही simple concept है कि मान लीजिए आपके पास में कोई land है या फिर आप किसी building के owner है. ओके आप या कोई लैंड या बिल्डिंग के ओनर है और आपके पास में एक डेवलपर आता है. डेवलपर का मतलब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो डेवलप करता है. वो आता है और वो आपको बोलता है कि आप हमें अपना लैंड और बिल्डिंग का जो प्रॉपर्टी है वो हमें ट्रांसफर कर दीजिए, हमें कंस्ट्रक्शन के राइट्स दे दीजिए और हम उस पर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाएंगे और बदले में हम आपको उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में एक शेयर दे देंगे. एक शेयर कुछ भी हो सकता है, एक रेसिडेंशियल फ्लैट या दो रेसिडेंशियल फ्लैट या फिर दो कमर्शियल शॉप्स. ओके सो लैंड ओनर विल ट्रांसफर कंस्ट्रक्शन राइट्स टू द डेवलपर एंड डेवलपर जो है उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में एक शेयर जो है आपको दे देगा, ठीक है? इसको बोलते हैं जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट. बट व्हाई वी आर स्टडिंग दिस इन द कैपिटल गेन सेक्शन, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, लेट अस अंडरस्टैंड. आपने कैपिटल गेन के स्टार्टिंग के क्लासेस में देखा होगा कि कैपिटल गेन कब अराइज होता है. कैपिटल गेन तब अराइज होता है व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट. जब जब कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है तब तब हमें कैपिटल गेन कंप्यूट करके टैक्स देना पड़ता है. ट्रांसफर का जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक पॉइंट ये भी पढ़ा था क्या कि ट्रांसफर इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस और अग्रीमेंट्स वेयर राइट्स आर हैंडेड ओवर इन एग्जीक्यूशन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इवन दो लीगल टाइटल नॉट ट्रांसफर्ड. मतलब कि ट्रांसफर का जो डेफिनेशन है उसमें वो सारे अग्रीमेंट्स भी आते हैं जहां पे आपने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्म कर दिया है. जैसे हमारे केस में पार्ट परफॉर्मेंस क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन राइट्स मिल गया है, शेयर इन द प्रोजेक्ट मिलना बाकी है. ये हो सकता है 2 साल या 3 साल बाद में आपको कंस्ट्रक्शन होने के बाद मिले, बट आपने राइट्स जो है वो ट्रांसफर कर दिया तो पार्टली परफॉर्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट. इस पार्ट परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर के डेफिनेशन में माना जाता है एंड अकॉर्डिंगली आपको कैपिटल गेन देना चाहिए. कैपिटल गेन कब देना चाहिए, जब ट्रांसफर हुआ. सो मान लीजिए आपने आज कंस्ट्रक्शन राइट्स दिया और हो सकता है 4 साल या 5 साल बाद में आपको कोई शेयर मिलेगा उस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में, बट लॉ के हिसाब से तो आपको आज ही कैपिटल गेन टैक्स देना होगा. जिस दिन आपने लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर किया, कंस्ट्रक्शन राइट्स दिया उस डेवलपर को, आपको तो उसी साल कैलकुलेट करना होगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर. तो यही हो रहा था कि लैंड ओनर्स जो थे उनको प्रॉब्लम हो रहा था कि उनको अननेसेसरी उस साल में टैक्स देना पड़ रहा था, मतलब जिस साल में वो लैंड और प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग के राइट्स ट्रांसफर कर रहे थे. बट आइडियली गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि ये तो हार्डशिप है, अननेसेसरी, सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस हार्डशिप. हार्डशिप क्या है, हार्डशिप ये है कि शेयर मिलेगा कुछ सालों के बाद में और कैपिटल गेन अननेसेसरी मुझे पहले के सालों में पे करना पड़ रहा है. तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इस हार्डशिप को मिनिमाइज करने के लिए सेक्शन 45(5A) आया जिसमें कहा कि अगर आप एक इंडिविजुअल और HUF है, ध्यान दीजिए सिर्फ इंडिविजुअल और HUF प्रॉपर्टी ओनर को ये बेनिफिट है. आज एक कंपनी के पास में कोई प्रॉपर्टी है और वो किसी डेवलपर को वो ट्रांसफर करता है तो उसको कैपिटल गेन उसी साल में देना होगा जिस साल प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया. बट अगर आप एक इंडिविजुअल और HUF अगर हैं और आप कोई जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट करते हैं किसी डेवलपर के साथ में तो आपको कैपिटल गेन जो है किस साल में देना होगा, इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. मतलब जिस साल में आपको आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, हो सकता है पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिले या फुल प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिले, जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस साल में आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा 45(5A) के हिसाब से. तो मान लीजिए 2010 में आपने डेवलपर को लैंड ट्रांसफर किया और 2015 में आपको उसने एक रेसिडेंशियल फ्लैट अलॉट कर दिया तो 2010 में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 2015 में टैक्स देना पड़ेगा.
ये सेक्शन 45(5)A का बेनिफिट है जो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF SSCs के लिए अवेलेबल है। आई होप दिस इज क्लियर। एग्जाम्पल से ये 100% क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेंगे? हमारा लैंड और बिल्डिंग जो है वो ट्रांसफर है, बदले में हमें कोई शेयर मिल रहा है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का, ठीक है, हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो जो रियल एस्टेट का जो शेयर आपको मिल रहा है उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ठीक है, ऑफ हिज शेयर। वाई मैं ऑफ हिज शेयर का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हो सकता है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में 10 रेसिडेंशियल फ्लैट है, बट आपको तो 10 नहीं मिलेंगे, आपको तो कुछ 1 या 2 रेसिडेंशियल फ्लैट मिलेंगे। तो आपके शेयर का जो आपको मिल रहा है उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या है? अच्छा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू किस दिन का लेंगे? जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होगा, जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होगा उस दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होगा वो होगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब सेल वैल्यू। और अगर आपको डेवलपर प्रॉपर्टी के साथ कुछ कैश दे रहा है, हो सकता है आपको एक फ्लैट दे रहा हो और कुछ पैसे भी दे रहे हो कैश में, तो जो कैश का कंसिडरेशन भी आपको मिल रहा है उसको भी आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में ऐड कर देना, ये होगा आपका टोटल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर चेक से अगर कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है वो काउंट नहीं होगा, सिर्फ कैश कंसिडरेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल। मिस्टर ए परचेज्ड अ प्लॉट ऑन 1 अप्रैल 2004 फॉर 20 लाख। 20 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा 1 अप्रैल 2004 में। 30 जून 2010, 6 साल बाद, मिस्टर ए जो एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड होता तो 45(5)A नहीं लगता। सो मिस्टर एक इंडिविजुअल है, इसने जेडीए जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट एंटर किया एक्स वाई जेड बिल्डर के साथ में एंड हैंड्स ओवर द लैंड टू द बिल्डर ऑन द सेम डेट। तो वो जो प्लॉट था ना वो 30 जून 2010 को 2004-5 में एक प्रॉपर्टी एक प्लॉट खरीदा था और 2010-11 में वो प्लॉट जो है इस डेवलपर को दे दिया कि आप इस पे एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाइए। अगर ये क्वेश्चन हम यही खत्म कर दें और सेक्शन 45(5)A अगर नहीं होता तो हमें 2010-11 में कैपिटल गेन कंप्यूटेशन करना पड़ता, बट क्योंकि 45 सब सेक्शन 5A यहाँ पे है तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। और हम टैक्स कब पे करेंगे? जब हमको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा हमारे शेयर का। तो अब आगे पढ़ते हैं। अल्फा बिल्डर जो है वो 2 लाख विल पे 2 लैक्स, जिसमें से 50% कैश, मतलब 1 लाख कैश देगा 1 लाख चेक के थ्रू देगा। तो अल्फा बिल्डर विल पे 2 लैक्स एंड अ रेसिडेंशियल हाउस टू मिस्टर ए। तो बदले में मिस्टर ए को एक घर दे देगा और 2 लाख रुपया देगा जिसमें से 1 लाख कैश होगा। अब टैक्स कब देंगे? कैपिटल गेन जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला 5 अप्रैल 2012, मतलब 2012-13 में हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला। तो 2012-13 में अब हमें कैपिटल गेन, तो जो कैपिटल गेन 2010-11 में देना पड़ता वो कैपिटल गेन 2012-13 में देंगे। तो 45(5)A का ये बेनिफिट है जो इंडिविजुअल एचयूएफ को मिल रहा है। स्टैंप ड्यूटी 2 दिया हुआ है, क्यों 2 दिया हुआ है? देखिए 5 अप्रैल 2012 जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उस दिन 80 लाख रुपया था और 30 जून 2010 जब बिल्डिंग ट्रांसफर किया था, राइट्स ट्रांसफर, प्लॉट ट्रांसफर किया, सॉरी प्लॉट ट्रांसफर किया था उस दिन 1 करोड़ है। तो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ लेंगे या 80 लाख लेंगे? सेक्शन 45(5)A बोलता है कि नहीं, 80 लाख लेना होगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब इशू हुआ 5 अप्रैल उस दिन का हमें फुल वैल्यू स्टैंप ड्यूटी लेना होगा। तो आइए कैलकुलेशन देखते हैं। प्लॉट खरीदा 2004-5 में, एकदम सिंपल है। ट्रांसफर किया, मतलब प्लॉट को रियल एस्टेट डेवलपर को 2010-11 में दे दिया था, बट कैपिटल गेन कैलकुलेट कब करेंगे? 12-13 में, जिस साल हमें सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला। पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग आप हमेशा याद रखिए, जिस दिन ट्रांसफर होता है उसी दिन का पीरियड ऑफ होल्डिंग तक कैलकुलेट होता है। तो 30 जून 2010
को बिल्डिंग ने जो प्लॉट था वो डेवलपर को दिया था। तो 30 जून से एक दिन पहले 29 जून तक पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म है क्योंकि 6 साल करीब हो गए हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म है। अब आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो कि हमने कहा था स्टैम्प ड्यूटी ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिला मुझे? 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या था? 80 लाख। तो हम ले लेंगे 80 लाख। प्लस मैंने कहा था कोई भी कैश पैसा मिला तो 2 लाख मिला था, जिसमें से 1 लाख कैश था, 1 लाख चेक था। तो 80 + 1, 81 लाख हो जाएगा मेरा सेल वैल्यू। उसमें से माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। प्लॉट कितना में खरीदा था? 20 लाख रुपए में। 20 लाख को कौन से ईयर के सीआईआई से मल्टीप्लाई करेंगे? जिस साल हमने प्रॉपर्टी डेवलपर को दिया। प्रॉपर्टी डेवलपर को हमने कब दिया? 2010-11 में। यहाँ पे देख लीजिए, 2010-11, 167। और एक्विजिशन कब हुआ था? डिवाइड करेंगे एक्विजिशन डेट के सीआईआई से। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2004-05 में क्या था देख लीजिए, 113, 113। तो अब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, आएगा 29,55,752। आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, तो बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो होगा मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 51,44,248। आई होप दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट और दिस कैलकुलेशन इज क्लियर। ओके, सो यहां तक समझ में आ गया। तो इसमें बेनिफिट क्या पता चला कि जो कैपिटल गेन मुझे पिछले सालों में देना पड़ता था, पड़ सकता था, वो सेक्शन 45(5)(a) के आने में अब मुझे उस साल में देना पड़ेगा जिस समय मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और एक सिनेरियो सोचिए कि 2004-05 में तो मैंने प्लॉट खरीदा था, 2010-11 में मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया था डेवलप करने के लिए, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मेरे को मिला 5 अप्रैल 2012। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 5 अप्रैल ही था ना, 5 अप्रैल 2012, ठीक है। तो 2004-05 में प्लॉट खरीदा, 2010-11 में बिल्डर को दिया था कि इस पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बना लीजिए, और 5 अप्रैल 2012 को मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला। अब मान लीजिए कि ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बीच में, मतलब डेवलपर को देने के बाद और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बीच में ही मैंने अपना फ्लैट किसी को दे दिया, हो सकता है ना, मेरे को जो फ्लैट मिलने वाला था कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया अभी, उसके पहले ही मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो सेक्शन 45(5)(a) आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जिस साल में आपने ये रेसिडेंशियल फ्लैट ट्रांसफर किया उसी साल आपको कैपिटल गेन कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। ये प्रोविजो है 45(5)(a) का। फिर से बोलता हूं, एसएससी ट्रांसफर हिज शेयर ऑन और बिफोर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के दिन और उससे पहले ही अगर आपने अपना शेयर बेच दिया, अगर नहीं बेचा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया तब तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाले ईयर में हम कैलकुलेट करेंगे, बट अगर आपने पहले ही ट्रांसफर कर दिया तो जिस साल में ट्रांसफर किया उस साल कैपिटल गेन कंप्यूट करना होगा। और जो 5A 45 का सब सेक्शन 5A का जो बेनिफिट था वो अब नहीं मिलेगा, आपको जनरल जो प्रोविजन है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का कैपिटल गेन टैक्स वो एप्लीकेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझते हैं। मान लीजिए सेम एग्जाम्पल है हमारे पास, सेम एग्जाम्पल है, बट एक इसमें ट्विस्ट यह आया कि 5 अप्रैल 2012 को जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उसके एक दिन पहले ही हमने फ्लैट बेच दिया 2 करोड़ रुपए में। सो फ्लैट हमने 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल आने से पहले ही हमने 4 अप्रैल को बेच दिया 2 करोड़ रुपए में। अब क्या होगा? 45(5)(a) एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 45(5)(a) के जो प्रोविजंस है वो आप भूल जाइए, और आपको जनरली अभी कैलकुलेट करना होगा। अब कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होगा आपको दो केसेस में। एक तो जो प्लॉट ऑफ लैंड आपने डेवलपर को दिया था उसका कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, दूसरा डेवलपर ने जो घर बना के दिया है, आप जो शेयर जो घर बना के देने वाला है वो ट्रांसफर किया उसका भी कैपिटल गेन कैलकुलेशन होगा।
दोनों ही कंप्यूटेशन आपको 2012 और 13 में करना होगा, क्योंकि उसी साल आपने ये शेयर ट्रांसफर किया है। तो 2012-13 में आपको दो बार कैलकुलेशन करना होगा कैपिटल गेन का, एक तो वो प्लॉट ऑफ लैंड का और दूसरा वो रेसिडेंशियल फ्लैट का राइट्स जो आपको मिलने वाला है। तो पहले प्लॉट का देख लेते हैं। प्लॉट कब खरीदा था? 2004-5 में। वेरी इजी, पता है 2004-5 में खरीदा। उसको ट्रांसफर कर किया बिल्डर को कब दिया था? 2010-11 में। ठीक है, कैपिटल गेन कैलकुलेशन कब करेंगे? जैसे कि मैंने कहा था 2012-13 में ही आपको दोनों कैपिटल गेन कंप्यूटेशन करना होगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग हमें पता ही है, जब वो तो हमेशा सेम रहेगा। तो 30 जून को ट्रांसफर किया था डेवलपर को, तो 29 जून तक लॉन्ग टर्म। तो चेंज कहाँ आया? चेंज आया यहाँ पे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या था कि जो भी स्टैम्प ड्यूटी 45(5)A बोलता था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस कैश कंसिडरेशन, बट अब 45(5)A तो एप्लीकेबल है नहीं हमारे पे। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन का लेंगे? अब आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 30 जून 2010 वाला लेंगे, जब आपने बिल्डर को प्रॉपर्टी या प्लॉट ट्रांसफर किया था। आइए क्वेश्चन में देखिए, स्टैम्प ड्यूटी दो जगह दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 5 अप्रैल को जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया हुआ है 30 जून 2010 जब आपने डेवलपर को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की 1 करोड़। तो अब आपको लेना पड़ेगा 1 करोड़। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कोई कैश वैश यहाँ पे आप कंसिडर नहीं करना, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेम रहेगा 2004-5 में 29,55,000, और ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 70,44,248। आई होप दिस इज क्लियर। तो कहाँ चेंज आया? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन वाले दिन का नहीं लेंगे, जिस दिन डेवलपर को रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे, प्लॉट ऑफ लैंड ट्रांसफर करेंगे, उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे। अब नेक्स्ट, प्लॉट का तो कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो प्लॉट के लिए हमने 1 करोड़ रुपया जो है वो कंसीडर किया था, क्या? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मतलब ये 1 करोड़ जो है उस रेसिडेंशियल फ्लैट का बोल सकते हैं कि ये जो 1 लाख जो है प्लॉट जो है हमने 1 लाख में ट्रांसफर किया, और बदले में हमें मिला क्या? रेसिडेंशियल हाउस। अब उस रेसिडेंशियल हाउस को जो आपने ट्रांसफर किया है उसका भी कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होगा। तो ये रेसिडेंशियल हाउस आपको कब मिला? जब आपने प्लॉट ट्रांसफर किया। प्लॉट ट्रांसफर कब किया? 10-11 में। तो 10-11 में प्लॉट ट्रांसफर किया, मान लेंगे बदले में आपको रेसिडेंशियल हाउस मिला। उस घर को भी आपने 2012-13 में ट्रांसफर कर दिया था, तो 12-13 में कंप्यूटेशन करेंगे कैपिटल गेन का। पीरियड ऑफ होल्डिंग 30 जून 2010 को प्लॉट दिया था, बदले में रेसिडेंशियल फ्लैट मिला, और 3/4/2012 मतलब 4 अप्रैल को आपने ट्रांसफर किया, उसके एक दिन पहले 3 अप्रैल। तो ये हो जाएगा कितना? 2 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म मानेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2 साल तक शॉर्ट टर्म होता है, 2 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना में बेचा हमने? क्वेश्चन हमने देख ही लिया था, 2 करोड़ में हमने फ्लैट बेचा, तो 2 करोड़ फ्लैट का ले लिया। एक्विजिशन, वो फ्लैट कितना में खरीदा था? प्लॉट दिया था, बदले में हमें रेसिडेंशियल हाउस मिला था, और वो उसका हमें कितना में? 1 करोड़। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमको फुल वैल्यू ऑफ मानना पड़ा कंसिडरेशन, वही आपका कॉस्ट बन जाएगा। तो बचा कितना? 1 करोड़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 करोड़। सो दिस वॉज बिट टेक्निकल। इफ यू हैव एनी डाउट डू राइट मी इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।